वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पूरे देश में मस्जिदों पर लाउडस्पीकर हटाने को लेकर इस समय अभियान सा चल चुका है। कर्नाटक महाराष्ट्र में ये विवाद तूल पकड़ रहा है। अब इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, राजस्थान के अजमेर में जिला प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर कड़ा और बड़ा फैसला लिया है। अजमेर जिला प्रशासन ने सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन ने 7 अप्रैल से प्रतिबंध को लागू कर दिया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि राजस्थान के अजमेर में जिला प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए सभी सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। अजमेर जिला प्रशासन ने 7 अप्रैल से इस प्रतिबंध को लागू कर दिया है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर को लेकर कई तरह के विवाद सामने आ चुके हैं। इसके साथ साथ अजमेर जिला प्रशासन ने शहर में 1 महीने के लिए धारा 144 भी लगा दी है। साथ ही अब अगले 1 महीने तक किसी भी धार्मिक आयोजनों में झंडा और बैनर का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राजस्थान के अजमेर जिला में सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है, बैन लगा दिया गया है। सभी सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर पर लगाना प्रतिबंधित कर दिया गया है अजमेर में। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट, मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश, शाहरुख खान के बेटे आरिन खान गिरफ्तार, भारत सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबईकरों को लोकल में एंट्री, खबरों का शहंशाह, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।